तुमने ना दोस्त बनकर दुश्मन वाली हरकत की है मेरे साथ। क्या कह रही हो जाना? परी प्लीज इस विषय से इनकार कर दो, तुम कैसे कर सकती हो ऐसे मेरे साथ? अब देखे ना, हमारे लिए तो कितनी आसानी हो गई, घर का रिश्ता घर में ही तय हो गया, कहीं देखना ही नहीं पड़ा। और आपको पता, लड़की हीरा है, हीरा। मैं भी तो किससे कम नहीं है। जी जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। ऑफ कोर्स, लेकिन परी की बात जरा अलग है। दोस्तों, अरसम और उजाला ने अपने बड़ों की पसंद के आगे अपनी पसंद को सरेंडर कर दिया और परी ने भी ये फैसला कबूल कर लिया। लेकिन मोहब्बत ना मिले तो इंसान कहाँ रह जाते हैं, मिट्टी की मूर्तें ही होती हैं, और घर कहाँ रह जाते हैं, इमारतें होती हैं। परी भी सरेंडर करने जा रही थी, इसको रोने के लिए कंधे की तलाश थी, वो उसे मिला, चाहे वो जुबैदा का कंधा ही क्यों ना हो। लेकिन कमाली, बाबर और महरीन वगैरह मिलकर परी का रिश्ता बाबर से तय कर देंगी तो उजाला और अरसम की मोहब्बत की गैरत जाग जाएगी। वो ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि इससे पहले उजाला ने अपने बाप का मान रखा और बचपन की मोहब्बत से मुंह मोड़ लिया। वो बाप जिसको शायद पता भी ना हो कि उजाला के दिल में क्या है, वो बाप जो अपनी बीवी से एक टैंक का गिलास पी ले तो इसके लिए यही बहुत है, और एक गिलास से ज़्यादा उसको बीवी से दूसरी मर्तबा शरबत भी नहीं मिलता। इसे क्या पता कि इसकी मकार बीवी ने इससे कितना बड़ा फैसला करवा लिया है, वो तो छोटी सी बात से खुश हो जाने वाला आदमी है। अरसम ने भी अपनी दादी जान की खुशी की खातर अपनी मोहब्बत परी को नज़रअंदाज किया, लेकिन दादी जान ने अपने वकार के मुनाफी बात की और अरसम की मोहब्बत परी को जलील किया। दूसरों की इज्जत वही दे सकता है जो खुद इज्जत वाला हो। दादी जान की जहां दीदा आंखों को हसीना का होचापन और दौलत की हिरस तो नजर नहीं आती, और मासूम परी को महज अपनी असबियत से डांट देती है। दादी को इस बात का कोई हक नहीं।